अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये दो फ्रॉक हैं, ठीक है। इन फ्रॉकों में जो हमने डिज़ाइनिंग की है, फ्रॉक में आपको दिखाऊंगा इसमें हमने किस तरह की डिज़ाइनिंग की है। देखें, ये जो फ्रॉक हमने तैयार की है, इसका गला हमने चाइनीज गला बनाया है, ठीक है। इसी के कपड़े पे हमने इसकी पैंटेस की सिलाई लगा दी दूर 1-1 इंच के गैप से, और आगे हमने इसकी लेस लगा दी बढ़ती हुई, और यहाँ पे हमारी जो है ना सीढ़ी लेस लगी हुई है बारीक। और ये साइड पे इसके पैनल है, ठीक है। ये पैनल कटिंग किए हुए हैं, इसके बीच में फिलिंग की हुई है लेस, लेस के नीचे भी हमने कपड़ा लगाया हुआ है। ठीक है, तीन साइड, दो कलियाँ इस साइड पे आ रही हैं, ठीक है, और दो कलियाँ इस साइड पे आ रही हैं, बाकी एक सेंटर का पैनल और एक एक साइड का पैनल है। बैक भी इसकी इसी तरह तैयार हुई हुई है। और जो इसका गेयर है, गेयर में देखें इसकी जो है ना, ये देखें ये गेयर है इसका, इसमें हमने ऑर्गेन्जा भी लगाई है और यहाँ पे हमने इसकी लेस भी लगाई है। ये ऑर्गेन्जा के साथ हमने फेसिंग भी लगाई है, और ये इसकी स्लीव्स है। स्लीव्स पे भी हमने इसी तरह जैसे हमने इसका दामन गेयर तैयार किया है, उसी तरह हमने इसकी जो है ना ऑर्गेन्जा और लेस लगा दी, ऊपर दो पेंटेक्स और उसके ऊपर एक और लेस लगा दी, ठीक है। और ये इसका ट्राउजर है, ट्राउजर पे ऊपर भी कटवर्क हुआ हुआ है, ठीक है। नीचे इसके पैंटेस की सिलाई लगाई, बॉक्स बनाया और नीचे भी कटवर्क हुआ हुआ है इसका। और ये इसकी शॉल है, शॉल के चारों साइड पे हमने चौड़ी फेसिंग कर दी बॉर्डर के हिसाब से। ये देखिए, एक फ्रॉक हमारी ये है जो हमारी सेंटर से ओपन हुई हुई है, यहाँ पे हमारे सारे लूप्स बटन लगे ऊपर की साइड पे, नीचे हमारा जो है ना थोड़ा सा कट खोल दिया, और इसके साइड में एक एक पैनल आ रहा है, एक सेंटर पैनल है, उसके बाद एक पैनल, उसके बाद एक साइड का पैनल, ठीक है। कि दूसरी साइड पे भी इसी तरह और बैक पे भी इसी तरह है, और इसके बीच में हमने सीढ़ी लेस लगाई है बारीक वाली, और नीचे इसके घेर में लेस लगाई है फेसिंग के साथ। देखिए, इस तरह का फ्रॉक मैं आपको सिखा भी चुका हूँ, ठीक है। इसके जो है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे सीढ़ी लेस लगाई है, उसकी जो है ना लेस लगाई थी, दोनों दोनों लेस का रूप जो है ना इस साइड पे, इस कली की साइड पे कर दिया था हमने, ठीक है। और उसके हमने चाक खोले थे, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो फ्रॉक हमने किस तरह तैयार की थी, उसकी कटिंग किस तरह की थी। और ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स की देखें, ये बूट की पट्टियां तैयार करके इसकी कटिंग करके यहाँ पे लगाई है, और यहाँ पे हमारी डोरी पापिन लगी हुई है दोनों साइड पे, और इसके आगे वाली साइड पे यहाँ पे लेस लगी हुई है, टिच बटन वाली स्लीव्स है ये। और ये इसका ट्राउजर है, ट्राउजर पे देखें ये पट्टी पे जो है ना एंकर की तीन सिलाएं लगाई हुई है इसी के कंट्रास्ट के कलर की, और ऊपर इसकी सीढ़ी लेस लगी हुई है, नीचे इसकी बढ़ती हुई लेस लगी हुई है जो इसकी घेर में लगी हुई है। और ये दुपट्टे के चारों साइड पे हमने जो है ना लेस लगा दी फेसिंग के साथ।